नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई को लेकर सर्वानंद घाट से संत राज घाट के लिए पैदल रवाना हो गए हैं। सर्वानंद घाट पर गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के साथ अन्य संतों ने गांधी समाधि राजघाट तक पद यात्रा निकालने से पहले बगलामुखी यज्ञ किया है। पदयात्रा 8 दिन बाद दिल्ली पहुंचेगी। यति नरसिंहानंद ने कहा कि राजघाट पर आमरण अनशन किया जाएगा। स्वामी अमृतानंद ने कहा है कि इस यात्रा में कोई भी कार्यकर्ता भाग नहीं लेगा, ये केवल सांकेतिक पदयात्रा होगी। सितारगंज में नगर पालिका ने महाराणा प्रताप चौक से सर्कुल रोड में सुंदरीकरण के नाम पर बनाई गई ऊंची नालियों से वार्डों में हो रही जल भराव की समस्याओं का समाधान किया। इसी के साथ जेसीबी मशीन लगवाकर ऊंचे स्लैब तोड़वाकर पानी की निकासी शुरू करवाई है, जिससे वार्डों का जमा पानी निकल सके। नाली के ऊपर सौंदर्यीकरण में जो काम किया गया उस पर जो है कि आप ये देखिए फुटपाथ बिछा दिए गए हैं, जिस कारण से जो है सफाई करने में हमारे कर्मचारियों को बहुत ही दिक्कत आ गई और सफाई नहीं होने के कारण जो है कि नाली ऊपर तक भर गई और अब ये बैक पानी होने लगा। मैं उस समय भी जब ये नालियों के ऊपर जो है कि इस तरीके से फुटपाथ डाले जा रहे थे, मैं लगातार PWD विभाग को, उप जिलाधिकारी महोदय को और सारे अधिकारियों को लगातार ये कह रहा था कि इस तरीके से अगर ये स्लैब आप डाल दे रहे हैं तो सफाई नहीं होने के कारण सारा पानी जो है कि बैक होने लगेगा, क्योंकि जो है कि ये जो नालियाँ इन्होंने सौंदर्यीकरण की बनाई पीछे की गलियों से ऊंची बनाई है और पानी नालियों में आने की बजाय जो है नालियों का पानी वापस गलियों में जा रहा है। आप देखिए बिल्कुल लबालब ये गलियां होती चली जा रही हैं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। तो आज मैं अपने सारे कर्मचारियों को लेकर JCB को लेकर यहां पहुंचा हूं और मैं कोशिश इस समस्या से निजात दिला सकूँ। में नव निर्माण दुर्गा मंदिर परिसर में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और दुर्गा माँ के श्रद्धालुओं की तरफ से मंदिर के शीर्ष पर कलश स्थापना किया गया। मंदिर परिसर में सबसे पहले कलश की पूजा अर्चना की गई। कलश स्थापना के दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के अलावा पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन भी साथ में मौजूद रहे। दुर्गा पूजा का आयोजन इस ऐतिहासिक मंदिर में होना है। मैं अपनी तरफ से क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, माता से प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हों और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बेहद खुशी है कि दुर्गा मंदिर कमेटी के लोग इस मंदिर की मान्यता को जो समझते हैं उन लोगों ने मंत्री रहते हुए मुझको आदेश दिया था कि यहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए और मैं इसका एक माध्यम बना और सरकार से जितना कमेटी के लोगों ने हमसे अपेक्षा की थी, जो आदेश दिया था, 100% उस पैसे को हमने स्वीकृत कराया और उस पैसे से आज भव्य मंदिर बनना है। निश्चित ही जैसा भव्य मंदिर है ऐसी माता की कृपा यहाँ की जनता पे बनी रहे, मैं सबको शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा। तारीख तो मुझे याद नहीं है, करीब करीब ये 70 और 60 के दशक में उस समय मंदिर स्थापित किया गया है। पहले तो झोपड़ी में था। मैं चंद्रकांत मंडल कुछ वृद्ध व्यक्तियों को लेकर शुरुआत किया था। उसके बाद बहुत से कमेटी बदल गए। उस झुपड़ी वाले मंदिर आज आपके सम्मुख भव्य रूप में दिखाई दे रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। हम जो कमेटी वाले हैं इनको शुभकामना देता हूँ, क्षेत्रवासियों को कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। हमारा तो जिंदगी करीब करीब ख़त्म होने वाले हैं। जो लोग यहाँ रहेंगे उनके उनको हम हमारे तरफ से आशीर्वाद रहा और दुर्गा मंदिर में हमेशा लोग मिलजुल कर काम करें, पूजा करें। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की घोषणा कल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में घोषित होगी। तारीख घोषित करने को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। शिवरात्रि से पहले केदारनाथ मंदिर का श्रृंगार बर्फ ने किया है। धाम में 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बता दें कि केदारनाथ धामों में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।
गदरपुर में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आने वाले कांवड़ियों की सेवा के लिए गोलगप्पे टिक्की का स्टॉल लगाया है। इस मौके पर व्यापार मंडल महामंत्री संदीप चावला ने कहा कि गदरपुर में हर तरह के लंगर कई धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं, क्योंकि भोजन चाय पानी हर जगह पर है, लेकिन पैदल चलकर आने वाले कांवड़ियों के मन में कहीं ना कहीं कुछ चटपटा खाने का मन करता है। इसलिए हम लोगों ने व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के सहयोग से गोलगप्पे और टिक्की का लंगर करवाया है। कांवरिया भगवान भोलेनाथ की कांवर लेने बहुत ही हजारों सैकड़ों लाखों हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष जाती हैं, और इसके साथ में इस बार हमने कुछ नया करने की सोची, जिसमें गोलगप्पे टिक्की का प्रसाद इस बार व्यापार मंडल की तरफ से लगाया गया है और भोलों की सेवा के लिए एक फ्री लंगर है, जिसका हम चाहते हैं कि सारे भोले जाएं। जय भोले की। उत्तराखंड के विकास नगर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर स्कूल बस के पेड़ से टकराने के कारण एक बच्ची की मौत हो गई, जो कि 5 बच्चों के घायल होने की सूचना है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने, और साथ ही साथ जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने बचाव कार्य शुरू कर दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष भी रहा। तराली में सूचना और जनसंपर्क विभाग के जरिए सांस्कृतिक टीम कर्ण भूमि कला मंच के कलाकारों ने पिंडर घाटी के GIC नारायण बगड़ के परिसर में कार्यक्रम किया, जिसमें छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच कोरोना और ओमिक्रॉन से बचाव सुरक्षा पर शानदार नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। सूचना क्षमा चाहूँगा, संस्कृति से भी काम मिलता रहता है, संस्कृति से भी हम लोग रजिस्ट्रेशन हैं, और ये अभी जो हमको काम मिला है ये सूचना एवं लोक संपर्क विभाग देहरादून के तत्वाधान में हम लोग ये काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा कार्य जो है तो विभाग करती रहती है, और हमारी टीम संस्कृति से भी पंजीकृत है और सूचना से भी पंजीकृत है, तो हमें जिला स्तरीय भी कार्यक्रम मिलते रहते हैं और राज्य स्तरीय भी मिलते रहते हैं, तो अभी हमें जो ये काम मिला हुआ है ये राज्य स्तरीय से मिला हुआ है, और हम लोगों ने अभी ये गोचर सारी और कमेड़ा और तुम्हारा ये बमोथ ये ग्राम सभाओं में कल वहाँ थे, और आज हम लोग पिंडर घाटी की तरफ आए हुए हैं। अभी हम सुबह थराली में थे। कर्ण भूमि संस्था कर्ण विभाग द्वारा जो यहाँ पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से COVID-19 के संक्रमण से बचाव और उससे आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, इसका संदेश जो हमारे छात्रों को दिया, मैं इस संस्था का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, और साथ ही साथ हमने अपने छात्रों को ये बताया कि वो जन जन तक संदेश को पहुंचाएं कि कोरोना संक्रमण मनुष्य के लिए कितना घातक है, और उससे जो पूरी देश को पूरे विश्व को जो COVID-19 नाम से उसको जाना गया है, तब से जो नुकसान हो रहा है। मेडिकल की पढ़ाई कर रही तीर्थनगरी ऋषिकेश की रहने वाली जिया बलूनी यूक्रेन के सुमी शहर में फंसी हुई है, जहां से रूस केवल 30 से 50 किलोमीटर दूरी पर है। यूक्रेन के शहर में सबसे ज्यादा रूसी सेना एक्टिव बताई जा रही है। वहां से मेडिकल की पढ़ाई कर रही जिया बलूनी ने वीडियो जारी कर वहां के हालात बताए। बता दें कि जिया बलूनी ऋषिकेश में BJP के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी सरोज डिमरी की भांजी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिली थी, विधानसभा अध्यक्ष जी से भी मिली, और मैंने अभी ट्वीट भी किया माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर पे कि बच्चों को वहाँ से लाया जाए। एक्चुअली जो ये सुमी शहर है ये रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और जो बाकी बच्चे लाए जा रहे हैं वो दूसरे शहरों से लाए जा रहे हैं, पोलैंड के रास्ते लाए जा रहे हैं। पोलैंड का रास्ता वहाँ से 30 या
20 घंटे का रास्ता पड़ता है, जिससे कि असंभव है बच्चे वहाँ से आना। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि हमारी स्थिति क्या हो रखी है, ना हम खा सक रहे हैं ना सो सक रहे हैं। अब बार बार बच्चों का वो दिमाग में आ रहा कि बच्चे कैसे रह रहे होंगे, वो मैंने बंकर में छुपे हुए बच्चे हैं, वो बैठ भी नहीं पा रहे ठीक से, तो कैसे सो रहे होंगे। -5 वहाँ पर टेम्परेचर है। अब वो बता रहे हैं कि खाने पीने की भी अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रह गई है, न तो वहाँ ATM में कैश है, न बच्चों के पास कैश है, कैसे रहेंगे वो बच्चे। बहुत ज़्यादा हमको बहुत परेशानी हो रही है, मेरी लगातार उससे बात हो रही है। जब सिग्नल में होती है तो बात हो जाती है उससे, और जब सिग्नल में नहीं होती है तो बात नहीं हो पाती, तब घबराहट होती है। उसके मम्मी पापा भी चंडीगढ़ में रहते हैं, सभी लोग हम लोग बहुत परेशान हैं। वो लोग माँ का मन तो आप जानते हैं कितनी परेशान हो रही होगी वो माँ। अभी रक्षाबंधन से पहले मैं दिल्ली गई थी, मेरा बेटा भी, उनके मम्मी पापा भी, हम सब उसको छोड़ के आए थे। आज वही सीन याद आ रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जिया और उसके साथ बच्चों को रसिया के रास्ते भारत लाया जाए। मंगलौर कोतवाली में वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे SP देहात रुड़की परमेंद्र सिंह डोभाल ने मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया। कोतवाली में पहुंचे SP देहात ने सभी दस्तावेज और असलाह सशस्त्र भी जांच किए, साथ ही पुलिस बैरक की भी जांच की। कोतवाली में आपराधिक रजिस्टर और आपराधिक घटनाओं में लिप्त आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी किए जाने के आदेश दिए हैं, साथ ही फरार आरोपियों की भी तलाश किए जाने के निर्देश दिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो पुलिस विभाग में की जाती है। इसमें थाने में जो हमारी मौजूद जो सुविधाएं हैं, क्या संसाधन हैं, उनके एक बार निरीक्षण किया जाता है और बाकी के किस तरीके से और फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस संबंध में एक निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तो क्योंकि निरीक्षण का शुरुआती वो है, हम लोग सभी चीज़ें और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala opposite RIMC main gate Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job.
अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुद्रप्रयाग के सारी गांव के झाली मठ में ग्रामीणों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त भूस्खलन होने लगा। भूस्खलन की आवाज सुनकर ग्रामीणों में खौफ पैदा हो गया। भूस्खलन होने से दो गौशाला और 3 शौचालय भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो पास खड़े कुछ युवकों की तरफ से बना लिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी के साथ इस वीडियो को फैलाया जा रहा है। तो चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भूस्खलन होने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिला है। बताया जा रहा है कि झाली मठ में भूस्खलन हुआ जिसमें कई गौशाला और कुछ शौचालय भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो का रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है, उसके आधार पर लगातार जाँच की जा रही है। तो चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर झाली मठ में भूस्खलन की आवाज़ सुनने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने के लिए मिला है और कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। थराली में 37 सालों की ग्राम विकास विभाग की सेवा करने के बाद विकास खंड नारायण बगड़ के खंड विकास अधिकारी मदन सिंह सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर विकास भवन सभागार में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित विदाई समारोह में जनप्रतिनिधियों, ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय जनता ने बड़ी संख्या में भाग लेकर खंड विकास अधिकारी मदन सिंह को फूल, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। तो थराली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों ने उन्हें सम्मानित किया है। दरअसल खंड विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसके बाद वहां पर एक सभा का आयोजन भी किया गया। तो थराली के 37 सालों के ग्राम विकास विभाग की सेवा के बाद विकास खंड नारायण बगड़ के खंड विकास अधिकारी मदन सिंह सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद विकास भवन सभागार में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय जनता ने बड़ी संख्या में भाग लेकर खंड विकास अधिकारी मदन सिंह को फूल, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। तो थराली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खंड विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इसी उपलक्ष में एक विदाई समारोह रखा गया। विदाई समारोह में तमाम जनप्रतिनिधि, आम जनता भी पहुंची है और शॉल, फूलमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो थराली की तस्वीरें जहां पर जनप्रतिनिधियों ने सम्मानित किया है। दरअसल यहां पर खंड विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसके बाद इस उपलक्ष में एक विदाई समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि ने हिस्सा लिया है। ऐसे में उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया है, तमाम तरह के तोहफे उन्हें दिए गए। खासकर नारायणबगढ़ में जो हमारे खंड विकास अधिकारी साहब श्री मदन सिंह जी रहे, इनका जो कार्यकाल रहा
ये काफ़ी कम समय के लिए रहा, लगभग 2 साल के लिए रहा, पर बहुत ही उत्तम रहा, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य इन्होंने हमसे करवाए और हमें बहुत ही अच्छा गाइडलाइन किया। जैसे इनकी पंक्चुअलिटी, इनके कार्यों के प्रति हमें उत्तरदायित्व, इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे आपको काम करने हैं, कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है, अपने नौकरी के प्रति कैसे अपने उत्तरदायित्व का पालन करना है, हमने श्री खंड विकास अधिकारी से सीखा है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। और जो मेरा 37 साल 13 दिन का कार्यकाल रहा सेवा का, मैंने मन ये किया कि भाई गांव के गरीब आदमी तक जिनकी अपेक्षाएं रहती है सरकार से और कर्मचारियों से कि इस टाइप से उनका विकास हो, उसके लिए मैंने प्रयास किया पूरा। जो आने वाले जो ये संदेश रहेगा मेरे छोटे भाई बतौर हैं बच्चे हैं, वो मेरा ये वो रहेगा उनसे, सभी लोगों से, मैंने जैसे कि ऊपर भी कहा मीटिंग में कि भाई जनता के विकास की ओर अपना मन लगा के काम करना और मेरी अच्छाइयों को याद रखना, मेरी बुराइयों को छोड़ देना। और मैं भी खुद सभी लोगों से इस बात से भावभीनी विदाई ली। हमारे यहाँ पे मदन सिंह जी जो हमारे यहाँ पे खंड विकास अधिकारी के तौर पे यहाँ पे रहे, आपका कार्यकाल बहुत ही उत्कृष्ट उच्च स्तरीय कार्य यहाँ पे रहा है और बहुत अच्छा आपसे जो है हमारे कर्मचारी बहुत अच्छी सीख ली है। इनका जो कार्यकाल है बहुत ही सराहनीय रहा है, चाहे जो है कोई छोटे से लेकर या बड़ा तक हर कार्य में जो अपने निपुण हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जो है सुखी जीवन, जो आपके सेवानिवृत्त आज यहां से हो रहे हैं, आप जो है लंबी आयु जिए। इन दिनों मंगलौर क्षेत्र में वन माफिया बेखौफ पौधारोपण करने के नाम पर हरे भरे पेड़ों पर आड़ी चला रहे हैं और विभागीय अधिकारी खामोश बैठे हुए हैं। बेखौफ तस्कर रात के अंधेरे में हरे भरे फलदार पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। कोतवाली मंगलौर से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही वन तस्करों ने कॉलोनी काटने के नाम पर रातों रात हरे भरे आम के बाग को काट दिया। 3 दर्जन से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शिवपुरी के जंगलों में ट्रैकिंग करने पहुंचे 2 युवक रास्ता भटक गए। दोस्तों को रास्ता भटकने की जानकारी देने के बाद उनका मोबाइल फोन भी बंद हो गया, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जंगलों से दोनों युवकों को रेस्क्यू कर सकुशल मुनि की रेती पहुंचाया। जान बचाने पर युवकों ने उत्तराखंड पुलिस की प्रशंसा की और आभार भी जताया है। देहरादून रोड पर बंद पड़े केरोसिन के गोदाम में रखे एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो वहीं भारत सरकार लगातार वहां से फंसे भारतीय छात्रों को वापस भारत लाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में यूक्रेन में फंसे ऋषिकेश के 2 छात्रों को भारत वापस लाया गया। वहीं कांग्रेस नेता जयेंद्र मोला ने आवास विकास स्थित उनके घर पर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना। जब भी दोनों बिटिया ये घर पहुंची हैं, मैं इनके घर गया था। मैं अपने अभी जो आवास विकास की रहने वाली है आयुषी राय और जिनके घर हम अभी बैठे हैं निशा ग्रेवाल, दोनों को मिलने आया। दोनों के माँ बाप बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि एक 5th ईयर की है, MBBS 5th ईयर की, ये 2nd ईयर की छात्रा है वहाँ पर, और बड़ा खुश है। लेकिन थोड़ा सा एक निराशा ये होती है कि उत्तराखंड सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी, एक बड़ी बात करी थी कि हम जितने भी बच्चे वहां से आएंगे या जो भी लोग आएंगे उनको हम फ्री यात्रा और फ्री सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मेरी जब आयुषी की मदर से बात हुई तो
तो आयुषी की मदर ने कहा कि मैं बहुत परेशान रही, मुझको टिकट कराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करा और अपने खर्चे पे मुंबई से वो देहरादून तक अपने खर्चे में फ्लाइट आई, तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेलियर साबित हुई है। पहले सब कुछ सही था, वैसे यूनिवर्सिटी चरणवृत्ति में अभी भी सब कुछ सही है, बस थोड़ा बहुत अब तो हो रहा ही है, तब तो पैनिक बढ़ रहा है क्योंकि इवानो जो उसके पास वाला शहर है उधर अटैक हो गया, तो उधर भी चांसेस हैं। तो हमारा ऐसा था कि 23 तक सब सही था, 24 को घर वालों के मैसेज आए और अचानक सुबह 4-5 बजे जब सब सोए हुए थे अचानक से मैसेजेस आए कि अटैक स्टार्ट हो गया, तो सब पैनिक हो गए, सब इधर उधर भागने लग गए कि मतलब सब राशन वाशन पानी और दवाइयाँ पैसे सब निकालने चले गए। हमने सब कुछ वो कर लिया, सब पैक करके रख दिया कि कुछ हुआ, लॉकडाउन हो गया, कुछ हो गया तो हम तो खाने को हो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।